बेंटले खड़ी है ब्रो, एकदम पैक कर रखी है। आवाज सुन लो भाई इसकी, ये पाइप टूटने का खतरा है अगर ये ऐसा ही रहा तो। सी सी इट इज सो, फिर से चल पड़े हैं, तीसरा दिन और टाइम हो रहा है 12 दोपहर के, क्योंकि उनकी टीम 11:30, 11:30 बजे रखी जाती है, तो 12 बजे निकलूंगा, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा जब तक वो काम स्टार्ट कर चुके होंगे। बाकी फिलहाल आज नेटवर्क मेरे साथ नहीं जा रहा है, आज मेरे साथ जा रहा है मैंगो दी आम, तो अभी आम को पिक करने जा रहे हैं और फिर निकलेंगे सीधा गुड़गांव। हेलो, आ जा नीचे। आ गया, आ जाएगा भाई, कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई के घर पे, देखो कट्टे कट्टे पड़े हैं। ऐसे आएगा, मैं हूं खलनायक। आ गया भाई ये आम आदमी। चले भाई, काम रोज का है ये अपना, ट्रैफिक में फंसते फंसते गुड़गांव जाने का। ये देख लो भाई, दिल्ली कैंट की रेड लाइट पे 10 मिनट सेट के हुए हैं और गाड़ियां हिल नहीं रही हैं। भाई महिपालपुर से गुड़गांव की तरफ चलते हुए एक नया फ्लाईओवर बन चुका है, द्वारका यशो भूमि, पता नहीं भाई ये कौन सी भूमि है, यशो भूमि, देखो किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो तो देख लो भाई आज ये रहा। और ये मेरे को लग रहा है जल्दी तैयार कर देंगे, है ना, रैपिडली तैयार हो गया है एकदम से, आज दिखाया मेरे को तो फ्लाईओवर तैयार हो गया है, ये मेरे ख्याल से वहाँ चला जाएगा एक्सप्रेस वे पर, है ना, कनेक्टिविटी है एक्सप्रेस वे की, यहाँ से सही है, बढ़िया लग रहा है। तो भाई यहाँ पे कोई होता भी नहीं है गेट खोलने के लिए, अपना ही बंदा जाता है और गेट खोलता है और फिर गाड़ी अंदर जाती है, यूजुअली होता है, आज नहीं है, मे भी दोपहर हो गई, होने लगे सब आ गए हैं। भाई बड़ा टाइट स्पॉट हो गया ये तो, बड़ा ही टाइट हो गया, फोन आ रहा है बाकी मेरा। भाई स्टिल वर्किंग ऑन दी एग्जॉस्ट सिस्टम, वो आ गया था, बुश आ गया, नहीं नहीं आया अभी भी। भाई 12 बजे बोला था यार, अभी टाइम लगेगा इसमें और एग्जॉस्ट में, टिप्स तो लगा दी तुमने, आ गया बुश, नहीं नहीं, फिर सेटिंग करी है कुछ, ये इसलिए अभी डाल दिया कि जो आएगा ना, हाँ वो हम रख देंगे। हाँ तो अभी कुछ जुगाड़ किया है? जुगाड़ नहीं किया, ओरिजिनल कुछ डाला है, डाला है ओरिजिनल ना, तो बाद में निकाल लोगे? नहीं निकाल लूंगा, नहीं जो आएगा तो तुम यूज कर लोगे उसको। नाइस भाई, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई। मैं डिफ्यूजर तुम लगा दोगे, मंगा दो डिफ्यूजर, डिफ्यूजर क्या उस तरफ लगेगा आपके, वही करेगा क्या नाम उस भाई का, सुरेंद्र, सतेंद्र, सुरेंद्र भाई। स्टेयरिंग का एयर बैग फिट कर दिया, उसका कितना टाइम लगेगा होने में? 10-15 मिनट, जल्दी फ्री हो जाएंगे लग रहा भाई। ये है प्लग एंड प्ले, ये लगेगा, रिमोट है, एग्जॉस्ट ऑन कर रहा है तो ऑन कर दो, रिमोट से बंद कर दो, आगे जेस्चर कंट्रोल है, एक छोटा सा डिवाइस है, ऐसे करो ऑन ऐसे करो ऑफ है, और फ़ोन में ऐप है उससे भी हो जाएगा ऑन ऑफ, तो तीन तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं हम एग्जॉस्ट को। तो भाई एक इशू आ गया है, ये एग्जॉस्ट के साथ ये टच हो रहा है, दिख नहीं रहा, लाइट थोड़ा नीचे करो या ऊपर करो, साइड में करो, ये एग्जॉस्ट पे ये वाला पार्ट जो है वो टच हो रहा है, तो बाद में ये पाइप टूटने का खतरा है अगर ये ऐसा ही रहा तो इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं क्या करेंगे। पहले तो RES को भेजेंगे सिस्टम कि ये चेक करो ऐसा क्यों हुआ, अगर कुछ नहीं होता तो फिर इसको काटा जाएगा, अब देखते हैं इसको काट सकते हैं या नहीं काट सकते उस पार्ट को।
तो भाई यही सोचा गया है कि एग्जॉस्ट को ही थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, जो गाड़ी का ओरिजिनल पार्ट है उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, और जो हमारा एग्जॉस्ट है उसी को, उसी में कुछ ट्वीक निकाल के उसी को टेढ़ा मेढ़ा करके उसको सेट करेंगे। बाकी भाई लगा रहा है अभी हमारा स्टीरियो, कह रहा हूँ स्टीयरिंग, लेट मी शो यू। बाकी बॉडी किट भिजवा रहा है चिराग अभी, जब तक मैं साथ में जाके अपशिफ्ट ऑटोज पे जाके सुरेंद्र भाई से पता कर लेता हूँ कि उन्होंने पेंट मैच किया है नहीं किया है, क्योंकि बम्पर, डिफ्यूज़र तो चलो सेम उसका ही आएगा, जो बम्पर जाएंगे, ग्रिल्स आएंगे और जो साइड की स्कर्टिंग्स आएंगी वो मैच होनी है। लो जी भाई साहब आए नहीं अभी तक, क्लोज्ड, दे आर क्लोज्ड, इट्स 1:30 बजे इन द आफ्टरनून एंड दे आर स्टिल क्लोज्ड। पता नहीं शायद आएंगे या नहीं आएंगे, आई डोंट नो। एक्चुअली मैं बंद नहीं है, वो आखिरी में डोर है छोटा सा, वहाँ से एंट्री कर रखी है, शटर ओपन नहीं किया उन्होंने। M3 खड़ी है भाई लोग, पता नहीं क्यों सड़ा के खड़ी कर रखी है। यहाँ से डोर है भाई, खोपचे से निकाल के एक खोपचे वाला रास्ता बनाया है जहाँ से आप अंदर जा सकते हो अपशिफ्ट में, बैक डोर एंट्री। ओह आज मैंने अपने शूज क्लीन करे थे, आज ही गंदे हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे गंदे, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे करते हैं PPF, ये कर रखी है रैप, बेंटले खड़ी है ब्रो, एकदम पैक कर रखी है। तो भाई भाई से बात हो गई है, भाई आ रहा है थोड़ी देर में, और गाड़ी का जो कलर है, कलर मैच करके उस हिसाब से वो जो मेरा बम्पर आया है प्लस जो मेरी साइड स्कर्ट आई है उनको पेंट कर देंगे, 2-3 दिन के अंदर दे देंगे। बाकी चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, बड़ी दुविधा हो गई है कैसे करेंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये ना होगी आज भी यहीं बैठा रह जाऊँ और आज भी काम ना हो कंप्लीट, ये नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी। तो भाई लोग उस सिंगल पाइप को निकालेंगे, है ना, उस सिंगल पाइप को निकाल रहे हैं ना बस। अब वो ऐसे निकलेगा भी नहीं, सारा खोलना पड़ेगा सारा, मतलब क्योंकि स्टार्ट के साथ है यहाँ से लेके भाई साहब, तो एक साइड का पूरा खोलना पड़ेगा पाइप। ओ भाई साहब 2 घंटे गए। चलो मगर एक फ़ायदा तो है, कोई इनएक्सपीरियंस होता तो कहता चलो चल जाएगी, थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, दोबारा खोल रहे हैं ताकि चीज़ ख़राब ना हो अपनी। फुल स्पीड में काम चल रहा है भाई, स्टीयरिंग लगा रहा, देखो दरवाज़ा खोल के W भाई से मांग रहा है 12 पेयर की पता नहीं क्या। ब्यूटीफुल कार को देख लो भाइयों, भाई बहुत लाउड है कार, बहुत ज़्यादा लाउड। वेटिंग रूम पे बैठते हैं थोड़ी देर और 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग। भाई कुछ स्विगी से मंगाया, बड़े दिन हो गए थे लुई बर्गर खाए, वैसे मैंने बाहर का बिल्कुल गंदा खाना छोड़ रखा है, बट हमारे साथ आया ना जो आम की पेटी वो गंद खाता रहता है, तो मेरे को भी आज खाना पड़ेगा थोड़ा सा, पड़ेगा क्या आज मन कर गया मेरा भी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी खा लेता हूँ। वो आ रहा भाई ऑर्डर लेके, वो दूर से दिख रहा है, दिख रहा है वो रहा। काम भी होने वाला है, अगर ऐसे 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे भाई फाइनली। तो क्या करना है, एग्जॉस्ट बिल्कुल ओके फिट हो गया है, और ये पैक करते हुए पूरी कार को भाई स्टीयरिंग भी फिट कर दिया, अब कम्प्लीटली डन है ना ये, प्रेस करके लॉक हो जाएगा ये, नाइस।
हो गया सल्लू। हाँ लॉक कर दे इसको। किसको? एयर बैग को। He is trying to lock the airbags. ये था? हाँ। वो कौन से? ये आगे फिर वहाँ जब ही हो जाएगी ना पूरी, मेरे को बता देना मैप करने से। भाई एग्जॉस्ट तो पूरा फिट हो गया है, बट एक प्रॉब्लम है। पूछो क्या? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग फिट होने के बावजूद उसमें हॉर्न नहीं बज रहा कार का ना, तो दोबारा से उसको ओपन कर रहे हैं, वायरिंग चेक कर रहे हैं। और गर्मी बहुत हो रही है, मैं जैकेट पहन के आया हूँ, पसीने आ गया और थक गया था। मैं अंदर रेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पीछे गाड़ी का कहीं पर काम हो रहा है। भाई स्टीयरिंग की बड़ी बजट है, ऑन नहीं बज रहा। कोई नहीं, चेक करने के लिए स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा दोबारा से, एयरबैग वाला पार्ट निकालना है। और भाई कम से कम मेरे ख्याल से तो एक घंटे से जब तो जहेज में लगा हुआ है, बस स्टीयरिंग नहीं खोल रहा। भाई ये देखो बड़ा पंगा है स्टीयरिंग का। राजा भाई रूट कॉज मिला कि हॉर्न क्यों नहीं बज रहा था, पता चला? मगर हमें जैसे हॉर्न पूरा फिट करके ही पता चलेगा कि बज रहा नहीं बज रहा है। उसके बिना नहीं, अगर फिर नहीं बजा तो फिर निकाल लेंगे। अबे यार ऑप्शन नहीं ना, क्योंकि ये प्रेस पे चलता ना, प्रेस होगा तो चलेगा। समझ गया, पंगा ये है। लो भाई समझ रहे हो, मतलब एक घंटा लगा है उसको एयरबैग वाले सिस्टम को निकालने में। अब कुछ सेट करके दोबारा डालेंगे और फिर हॉर्न नहीं बजा तो उसको फिर निकालना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं भाई, हॉर्न नहीं बज रहा, नहीं बज रहा। ओए बज रहा, बज गया, बज गया भाई, बज गया। अब स्टीयरिंग के अंदर वो नहीं आ रहे कंट्रोल्स है भाई, स्टीयरिंग क्यों नहीं चल रहा? अब अरे भाई मेरी भी मेहनत हो रही है तीन दिन से तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम तो कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। वेरी गुड, ओके। So we are doing a stage two. Two. Okay. And should we be adding like pops and banks as well? No, we haven't added pops and banks, but if you want, we can. What do you suggest? Generally, we don't prefer using adding pops and banks because it heats up the engine. Okay. And it heats up the turbo, so it's all for show. Okay. And the performance cars do it naturally because of XYZ reasons. There are multiple reasons because of which the cars end up making crackles and flames and all that. Okay. So those are performance cars. This is a standard car which has been sophisticatedly been made. After we do the remap, the sound of the exhaust are going to increase? It is going to increase? The remap does not alter the way the engine is going to sound at all. The only thing that can be done is added pops and bangs. Mm. That will give it that bang property. But this exhaust note is determined by the exhaust system. Let's say if we add the pops and bangs, can we undone? Yeah, it can be undone. Yes, right. It can be undone. Okay.
So before I go ahead with the map, you want to pop some bangs or do you not want to? Yes, I'll try that. You want to pop some bangs? Yes. Give me a minute, I'll have to confirm with that. Okay, thank you. So the laptop has been placed here and they're doing the remapping and it's going to take like 5 to 7 minutes bus. उसके बाद यार गुड टू गो, इसको पैक करेंगे एंड हम चले जाएंगे। बाकी जैसे कि बताया कि साउंड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो सेम ही रहेगा। बाकी अभी इसमें आज क्या होगा, आज हुआ है एग्जॉस्ट, आज हुआ है स्टीयरिंग, आज हुआ है रीमैप, तीन चीज़ें। बाद में रहेगा यार डिफ्यूज़र, यहाँ पर आएगा स्पॉयलर, साइड स्कर्ट्स आएंगी और फ्रंट पूरा बम्पर एंड ग्रिल चेंज होगा। दैट्स इट। आवाज़ सुन लो भाई इसकी, पोर्शे 911, बहुत ही अमेजिंग है भाई ये। इट इज़ कमिंग बैक। क्रेजी है, क्रेजी। बाकी अभी संचय का फ़ोन आया था, सुबह से बैठा हुआ यार, मैं बोर हो गया, मैंगो भी चला गया था 4 बजे। संचय आ रहा है और आई गेस और 30 मिनट्स तक मेरा काम भी हो जाएगा कंप्लीट, देन हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। बाकी भाई पूरे 3 दिन लग गए 3 काम कराने में और अभी 3 दिन और लगेंगे बाकी बॉडी किट्स वगैरह लगाने में। बहुत टायर्ड हूँ, जल्दी से गाड़ी रेडी हो घर जाऊँगा। ये संचय को रास्ता पता नहीं चल रहा है, गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ। एक रेड कार दिखी है मेरे को, पोलो निकल रही है, उसके पीछे टेम्पो निकल रहा है। अच्छा, मतलब चौराहा आ जाएगा, थोड़ी दूर के बाद ही है, ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा तेरे को, वहाँ से लेफ्ट लेना है। अरे तू आना, चौराहा आएगा, बता तो रहा हूँ। एड्रेस क्या है भैया इसका एग्जैक्ट? यार एड्रेस नहीं पता मेरे को, तू देखना ऑनलाइन एड्रेस है जीटी ट्यूनर्स का। भाई समझ ही नहीं आ रही इसको, कहाँ से आ रहा है संचय भाई। आना यहाँ था, चला वहाँ गया, वहाँ वहाँ वो आ रही गाड़ी, बाहर निकल गए। अब सीधा ऐसे कॉन्फिडेंस से गया है जैसे पता ही होगी यही जाना है, उसी गया जाके। तो भाई आखिरकार ढूंढते ढूंढते लोग आ चुके हैं। शिवान की हाय बोल दे तू भी। अभी बंद कर रखे हैं इसके वाल्व्स। राजा भाई हो गई रीमैप? हाँ? हो गया डन भाई, मैं स्कैन कर लूँ। ठीक है ब्रो, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल लेट यू नो, मैं रिव्यू दूंगा कि कैसा लगा मेरे को। मैंने कम बैक लेटर में भी 2-3 दिन में आऊँगा ना। थैंक यू वेरी मच अक्षय भाई, माय प्लेजर। मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा और रिव्यू भी दूंगा मेरे को कैसा लगा। ठीक है, ओके, चलो। तो भाई लोग क्रेजी आवाज़ आ रही है और स्टीयरिंग भी बड़ा सेक्सी है, लुक एंड फील। ये सारा एलकेंटारा है, ये कार्बन फाइबर है, ये लाइट्स हैं,
पैडल शिफ्टर्स में भी लाइट जलती है, उसकी कोई सेटिंग आज नहीं हो पाई है, तो मैं वो नेक्स्ट टाइम कराऊंगा 3-4 दिन के बाद जब मेरे को अपनी बॉडी किट लगवाने आना है तब। बाकी आज के लिए इतना ही, इसको व्लॉग को हम करते हैं कंप्लीट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्रेजी क्रेजी चीज़ें देखनी है तो सी सी इट इज़ फन। चलो जी, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।